हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाम शाम इन कनाडा। मेरा नाम है नम्रता शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पहली ही अटेम्प्ट में कैसे अपना G1 ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं अभी 2 दिन पहले अपना G1 टेस्ट देने गई थी और मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसने मुझे हेल्प की पहली ही दफा में अपना टेस्ट क्लियर करने के लिए। अब मैं जब अपना G1 टेस्ट देने गई थी तो उसमें सबसे पहली चीज जो याद रखने के लिए जरूरी थी वो ये थी कि आप सुबह सुबह जल्दी पहुंचे। मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट देने का दिन फ्राइडे रखा था। उसका एक मेन रीजन ये था कि सैटरडे और संडे को वहां ज्यादा भीड़ होती है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वीकेंड। तो मैं फ्राइडे के दिन वहां पे गई थी और सबसे पहले सुबह 8 बजे जाकर मैं लाइन में लग गई थी। वहां ऑलरेडी 5 से 6 लोग मेरे सामने थे, बट दैट वॉजंट टू बैड, मतलब ज्यादा लंबी लाइन नहीं थी। बिकॉज जब 15 मिनट आधा घंटा गुजर गया तो मैंने अपने पीछे देखा कि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे। सो यहां पे आपकी पहली ट्रिक है कि आपको सबसे पहले सुबह 8 बजे जाकर लाइन में लग जाना है। आप याद रखें, जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतनी कम भीड़ आपको वहां पे मिलेगी। अब जैसे ही मैं वहां लाइन में लगी जाकर, तो मैंने नोटिस किया कि वहां के एक स्टाफ हैं जो सबको टोकन नंबर्स दे रहे हैं। सो दे विल हैंड यू अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर जिसपे आपका टोकन नंबर होगा और उसके बाद वो 5-5, 6-6 लोगों को अंदर भेजने लगेंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे दे विल आस्क यू टू गेट सीटेड और फिर आपको अपने सामने काउंटर्स पे नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे जिसमें आपकी चिट का नंबर भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही आप अपना नंबर रिफ्लेक्ट होते हुए देखें उसी काउंटर पे आपको जाना है और अगर आप पहली बार अपना G1 टेस्ट दे रहे हैं तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। अब याद रखें, जब आप अपना टेस्ट देने जाएं तो आपको अपना चश्मा लेके जाना जरूरी है। इफ़ यू वेयर लेंसेज, इफ़ यू वेयर स्पेक्टिकल्स, याद रखें कि आप अपने स्पेक्टिकल्स अपने साथ लेके जाएं क्योंकि वहां पे वो आपका आई टेस्ट भी करते हैं। जिन लोगों को कोई चश्मे की जरूरत नहीं है दे डू नॉट कंडक्ट दैट टेस्ट ऑन दोज पीपल, बट जैसे मेरे पास एक चश्मा था तो मैं उस आई टेस्ट के लिए एलिजिबल थी। After they are done with the basic formalities, जैसे eye test, आपसे कुछ basic questions पूछेंगे, वो आपसे payment करने के लिए कहेंगे। The payment amount for the G1 test would be $155, जिसमें आपका G2 का amount भी already added होता है। After they are done with all the basic formalities, जैसे form भरना, payment, वो आपको एक दूसरे कमरे में भेजेंगे जहां पर सारे टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। वहां पे बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स होंगी एंड यू विल बी सीटेड ऑन वन ऑफ दोज कंप्यूटर स्क्रीन्स। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना होता है। दैट इज द ऑप्शन यू नीड टू चूज एंड योर टेस्ट स्टार्ट्स। नाउ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट आपको टेस्ट पूरा करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे समय ले सकते हैं, जितना चाहे समय आप बिता सकते हैं उस कंप्यूटर पे। नो वन विल एक्चुअली क्वेश्चन यू। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस आप एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो वो आपको इंस्टेंटली बता देगा कि आपका जवाब सही था या गलत था। लेट्स से आपका एक जवाब गलत होता है तो वहां पे आपको मेंटली एक नोट बनाना है या अपनी फिंगर्स पे एक रिकॉर्ड रखना है कि मैं एक जवाब गलत कर चुका, दूसरा जवाब गलत कर चुका। जैसे ही आप चौथे या पांचवें गलत जवाब पे आते हैं आपको एक एस्टिमेट हो जाएगा कि मैंने ये सेक्शन क्लियर नहीं किया है। सो रिमेंबर, आपको अपने गलत जवाब अपने फिंगर टिप्स पे अपने आप काउंट करने होंगे। वंस यू आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस, आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप अपने टेस्ट को पास कर चुके हैं या फेल कर चुके हैं। एंड देन दे विल आस्क यू टू वेट फॉर मे बी 5 मिनट्स। आपको वही लाइन में खड़ा होना है और हाथ की हाथ वो आपको अपना G1 का पासिंग सर्टिफिकेट थमा देंगे सेइंग कांग्रेचुलेशंस। अब मेरा एक्सपीरियंस G1 के साथ बहुत ही अच्छा रहा। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं और मैं अब जाकर अपना G1 दे रही हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे बोला इट्स वेरी इजी नम्रता, गो फॉर इट, कुछ नहीं होगा। बट मेरे मन में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फियर था कि अगर मैं फेल हो गई तो दोबारा कौन जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप फेल हो जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप दोबारा से या तो उसी दिन जाकर लाइन में दोबारा लग के अपना रीटेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट ओनली कॉस्ट $16 to $17 और
नहीं तो आप किसी और दिन जाकर भी अपना रीटेस्ट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जीवन टेस्ट में आता क्या है। जीवन टेस्ट के अंदर दो सेक्शंस होते हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल में आपको 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। जो 20 क्वेश्चंस होते हैं एक सेक्शन में, वो साइंस के होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको क्या मूवमेंट करनी है ट्रैफिक रोड के ऊपर। एंड द सेकेंड सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द ट्रैफिक रूल्स कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड। अगर आपके इन दोनों सेक्शंस में से 4 से ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं देन यू विल फेल द टेस्ट। सो लेट्स से फॉर इंस्टेंस, मैंने जब अपना जीवन टेस्ट दिया था तो मैंने अपने फर्स्ट सेक्शन के अंदर एक गलती की थी और सेकंड सेक्शन में भी एक गलती की थी। लेकिन अगर कोई इंसान फर्स्ट सेक्शन में 5 गलतियां कर देता है 4 की जगह और सेकंड सेक्शन में सिर्फ 2 गलती करता है, वो फिर भी टेस्ट को फेल कर जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर इज कि आपको दोनों सेक्शंस में एटलीस्ट 16 each marks जरूर चाहिए होंगे टू पास द टेस्ट। अब फटाफट से आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर, जो कि है G1 टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में। G1 टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए आपको ज्यादा कहीं नहीं जाना है। मैं आपको एक बहुत ही फूल प्रूफ इलाज दूंगी, बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी जिसको आप पढ़ के आराम से अपना ये टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर के ऊपर जाकर एक नाम टाइप करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है G1 जीनी ऐप। इस ऐप में आपको बहुत सारे टेस्ट्स मिलेंगे, ट्रायल टेस्ट मिलेंगे, इनफैक्ट एक पूरी डायरेक्टरी है जिसमें आपको 100 and 200 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप बैक टू बैक सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं आपको सबसे मजेदार बात बताऊं, इस ऐप के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली सेम टेस्ट के अंदर आए थे। अब इस ऐप का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कह सकते हैं या एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि इस ऐप के अंदर आपको सिर्फ कुछ ट्रायल टेस्ट्स फॉर फ्री मिलेंगे। लेकिन अगर आप सारे टेस्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं देन यू कैन पे $20, $22 विद टैक्सेस एंड यू कैन एक्सेस ऑल द टेस्ट्स। अब गाइज, मैं ना एक सीक्रेट की बात बताती हूँ, मैं ना बहुत ही कंजूस किस्म की लड़की हूँ और मैं डेफिनेटली ऐसी ऐप्स के ऊपर कोई पैसा खर्चा करने में इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। बट समहाउ मुझे इस बार लगा कि यार एक बार अगर मैं $20 दे के ये टेस्ट क्लियर कर सकूँ तो एटलीस्ट मैं जो फेल होने के बाद एक एक्स्ट्रा फी दूंगी उसको तो अवॉइड कर सकती हूँ ना। तो मैंने यही किया, I paid $22 और गाइज मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो $20 आप बाहर खाना खाने पे मत खर्चा करना, उस पैसे को बचाकर इस पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आई एम गारंटीइंग यू, आप नेक्स्ट टाइम आकर मुझे बता भी सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये सारे आइडियाज दे रही हूँ। और एक और वेबसाइट है जिसका नाम है apnatoronto.com, वहां पे लगभग 3-4 टेस्ट है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्री एंड वो भी काफी बेनिफिशियल होते हैं टू स्टडी फॉर द G1 टेस्ट। अनदर प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट कि आपको अभी रीसेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, विच मीन्स कि फिलहाल टोरंटो के अंदर बहुत सारी स्पीड लिमिट्स अपडेट हुई हैं, काफी सारे रूल्स अपडेट हुए हैं, स्पेशली द स्पीड लिमिट्स इनसाइड द सिटी एंड आउटसाइड द सिटी एज वेल एज द हाईवे। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपडेटेड रहना है और अपनी जीवन की तैयारी पूरी रखनी है। तो गाइज, ये तो था मेरा एक्सपीरियंस G1 के साथ और अब मैं फाइनली आपको बता देती हूँ कि मेरा G1 का क्या रिजल्ट था। मैंने दोनों सेक्शंस में सिर्फ एक एक गलती करी थी, विच मीन्स आउट ऑफ 40 मैंने 38 क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया था और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा एक्सपीरियंस इतना प्लेजेंट और स्मूथ जाएगा। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो क्वेश्चंस मैं उस ऐप में से पढ़ के गई थी वो एज इट इज टेस्ट पेपर में भी आ जाएंगे। एंड इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची, बिकॉज आई नो इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मेरे को आपको ये सब बताना इसलिए जरूरी था कि जो ट्रिक मेरे लिए काम आई शायद वो आपके लिए भी काम आ जाए।
और इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने थोड़े कम हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो और प्लीज कमेंट करना मत भूलना। बिकॉज अगर आप इस टिप से पास होते हैं, मेरी वीडियो से आपका कुछ हेल्प होता है, देन प्लीज कम बैक टू मी एंड टेल मी हाउ इट वेंट, कैसा आपका रिजल्ट रहा एंड वेदर माई वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू और नॉट। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको उसका इंस्टेंटली सिग्नल मिल जाएगा। इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ अपनी आज की वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नैम शैम इन कैनेडा। मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।